जिमी उसो से आज फिर से हुई गलती, लग गया शॉट जे उसे के ऊपर। क्या होगा अब नेक्स्ट, आइए जानते हैं। एंड हेलो फ्रेंड, दिस इज सुनास एंड वी आर वाचिंग रसल टेक डाउन। और इस स्मैकडाउन की शुरुआत में हमें पॉल हेमन सोलो सिकोवा रिंग में देखने मिलते हैं, और वहाँ पे वो जे उसो आते हैं, और उसके बाद जो हैं पॉल हेमन उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक अच्छा सा डील है, आज तुम्हारे एक चैम्पियनशिप का मैच होने वाला सिंगल फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप, और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम नेक्स्ट जो है ट्राइबल चीफ कहलाओगे। और इतना कहते हैं और वहाँ से फिर जे उसो वहाँ निकले। आज की फर्स्ट मैच हुई मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच फॉर द सैंटा सिकोबार वर्सेस मुस्तफ़ा अली के बीच एक जबरदस्त मैच हमें देखने को मिला, काफ़ी जबरदस्त मूव हमें देखने को मिला, दोनों ही सुपरस्टार हाई फ्लाइंग मोमेंटम पाप मैच में दिखाएं, और जबरदस्त तरीके से जो है मुस्तफ़ा अली को यहाँ पे जो है अभी हाइप मिल रही है, लेकिन यहाँ पे सैंटा सिकोबार ने एक अपना फाइनल मूव लगाते हुए एक रिंग के ऊपर चढ़ के दो वहाँ पे मूव लगाया, और उसके बाद 1-2-3 पिन की और क्वालिफाई कर चुके हैं वो मनी द बैंक के लिए नालाइट और इसके नाकामुरा के साथ। अब क्या होगा नेक्स्ट थिंग इन स्मैकडाउन विद द एनएक्सटी टैग टीम चैंपियंस अल्बा फ्राइज एंड इस्ला ड्रॉन वहाँ पे आती हैं, वहाँ बीच में वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस हमारी जो हैं रोंडा रॉजी और सेना बेलर देखने को मिली, और दोनों ही टीमों के बीच झड़प देखने को मिली है जबरदस्त तरीके से। फिर जो है एनएक्सटी टैग टीम चैंपियंस हैं उन्होंने जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस को नीचे फेंक दिया, और आगे नेक्स्ट वीक हमें एक चैंपियनशिप जो है दोनों चैंपियनशिप डिफेंड होते दिखेगी, और विनर टेक ऑल का मैच होगा यहाँ पे। अब क्या होगा अगली स्मैकडाउन जो नेक्स्ट मैच फॉर द बेली वर्सेस मिया चीन का मैच देखने को मिला फॉर द क्वालिफाइंग मनी इन द बैंक मैच के लिए, और जबरदस्त तरीके से मैच की शुरुआत होती है, दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, वहाँ पे एजे स्टाइल्स वहाँ पे मौजूद थे मिया इंच के में, फिर उसके बाद जो है वहाँ पे स्कारलेट जो हैं वहाँ पे आती हैं और उनके ऊपर कुछ फेंक देती हैं, जिससे डिस्ट्रैक्ट होती हैं मिया इंच और उसका फ़ायदा उठाते हैं और बेली जीत जाती है इस मैच में। अब नेक्स्ट क्या होने वाली, नेक्स्ट न्यू वुमेन्स चैम्पियनशिप का बेल्ट हमें देखने को मिला, आस्का को प्रेजेंट करते हैं एडम पीस और उनके वेस्ट में पहनाते हैं, जिस तरह रोमन रेंस को मिली थी पिछले हफ्ते आज आस्का को मिल गई है, और उसी बीच वहाँ पे शॉकिंग मोमेंट होता है, सार्लेट फ्लेयर की एंट्री देखने को मिली, सार्लेट फ्लेयर आती हैं और बोलती हैं कि मैं आस्का तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, उससे ज़्यादा कोई नहीं करता, लेकिन जो है मैं चैम्पियनशिप ले आई हूँ, और उसके बाद जो है आस्का ऊपर अटैक करती है। अब नेक्स्ट वीक हमें चैम्पियनशिप के मैच में देखने को मिलने वाली है सार्लेट फ्लेयर वर्सेज आस्का का। And the next match for the qualifying Money in the Bank, Baron Corbin versus यहाँ बुच हमें देखने के लिए जिनका मैच था, और NXT Champions भी वहाँ पर मौजूद थे Baron Corbin को देखने के लिए आए हुए थे, और उसमें जबरदस्त मैच होती है, मैच के बीच में है झड़प देखने को मिलती है Baron Corbin और NXT Champions के बीच, उसके बाद जो है बुच ने इस मैच का फ़ायदा उठाते हुए इस मैच में जीत हासिल कर लेते हैं और क्वालिफाई कर गए हैं वो अगली पड़ाव के लिए, वो मनी इन द बैंक में जा रहे हैं, और उसके बाद जो है Baron Corbin अब क्या होगा NXT में उनका फ्यूचर, वो चैम्पियनशिप ले पाते हैं या नहीं, बहुत कुछ आगे मजेदार होने वाली है ये खबर पे। एक और क्वालिफाइंग मैच हमें देखने को मिला ये स्काई वर्सेस सतो जी के बीच, काफ़ी मतलब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं मैच में, सतो जी मैच में पकड़ बना रही थी, वहाँ पे बेली भी मौजूद थी स्काई की तरफ से, लेकिन जो है सतो जी जैसे ही अपना फाइनल मूव लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जो बेली वहाँ ढकेलती हैं और ये स्काई इसका फ़ायदा उठाते हैं साउंड मूव लगाते हुए इस मैच में जीत हासिल करती है, क्वालिफाई कर जाती हैं दोनों के दोनों जो है डैमेज कंट्रोल की मेम्बर। अब आगे क्या होने वाला है इस मैच में क्या हम बताएं। एंड नेक्स्ट टाइम फॉर द मेन इवेंट थ्योरी वर्सेज जे उसो फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप के बीच, और जबरदस्त मैच हम देखने को मिला, काफ़ी जो है दोनों ही ने खिलाड़ियों ने जो परफॉर्मेंस दी, और जो है और मैच के दौरान जो है रेफरी को चोट लग जाती है और उसका फ़ायदा उठाते हैं, और फिर जो है ऑस्टिन थ्योरी की तरफ से पेटी डेडली उन पर अटैक करने के लिए आते हैं जे उसो को, लेकिन जिमी उसो वहाँ बचाते हुए, और फिर जो है सत हमारे सोलो अटैक करने वाले थे हैं जिमी उसो पर, लेकिन वहाँ पे जिमी उसो फिर से अटैक करने जाते हैं, लेकिन जे उसो को चोट लग जाती है और उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो ऑस्टिन थ्योरी रिटेन करती हैं अपनी चैम्पियनशिप, और दोनों पॉल हेमन और सोलो सिको नीचे रहते हैं, और उसके बाद जे उसो को संभालने की कोशिश करते हैं जिमी उसो, लेकिन वहाँ पे हट जाते हैं, और अब जो है पॉल हेमन हमें कॉल करते हुए दिखते हैं
रोमन रेंस को अब आगे क्या होने वाले नेक्स्ट वीक, रोमन रेंस रिटर्न करने वाले हैं और अब जेउस रोमन रेंस के आने पे क्या होता है, जेउस उनके तरफ जाते हैं या जिमी को बहुत कुछ होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल रिजल्ट टेक नाउ। थैंक यू।